नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज कुछ दिखाने नहीं आया हूँ, आप लोगों से बातें करने आया हूँ। जो बहुत सारी बातें थी जो आप लोगों को शेयर करना चाहता तो था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मेरी एक ही खासियत है, मैं अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाता हूँ, बस दिल ही दिल में रह जाती है। लेकिन इस समय ऐसी बातें हैं ना, जो कि बहुत सारी बातें हैं जो घुटन महसूस कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, बहुत क्या बताऊँ, बहुत तंग हूँ लाइफ से। एक तो काम से टेंशन, दूसरी बात ये रूम से टेंशन, क्योंकि कोई कुछ भी करे उससे प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मैं अगर कुछ कर दूँ, क्योंकि कृष्णा के लिए गेट लगाया था, कृष्णा नीचे सीढ़ी से उतर जाते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, और अगर कोई कुछ बातें करे या कुछ भी करे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यार अगर मैं कुछ बातें कर देता हूँ, ये गेट है जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये गेट लगाया था, कृष्णा जो है नीचे उतर जाते हैं तो कृष्णा के लिए सेफ्टी के लिए लगाया था, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है लोगों को, कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों क्या करूं। और कृष्णा जो है 1 साल बाद उनका एडमिशन भी कराना है, और एडमिशन कराना है तो सोचता हूं अपने MP में ही कराऊं, क्योंकि यहां नहीं कराना है मुझे, तो वहीं सोच रहा हूं कि इनके लिए सोचना है, कुछ भविष्य का भी इनका देखना है। तो यार कुछ भी समझ में नहीं आता है, एक तो काम से परेशान, रूम से परेशान, और दूसरी बात घर से परेशान हूँ। अगर मैं परेशान होता हूँ तो उधर घर वाले माँ बाप भी हैं, वो भी हंसते हैं यार, और घर वाले जो हैं वो भी हंसते हैं, इधर मेरी पत्नी है वो भी हंसती है यार, क्या मालूम लगता है सबसे दुश्मनी लेके मैं बैठ गया हूँ। जो देखो, अगर मैं परेशानी में रहता हूँ सब यार हंसते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। एक तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोचता हूँ कोई बिजनेस डालने के लिए, जब भी सोचता हूँ बिजनेस डालने के लिए तो फिर ये रोक लगा देती पूजा की, यहाँ ये मत करो वो मत करो, गांव नहीं जाऊँगी तुम्हारे, तुम्हें करना है तो यहाँ करो, यहाँ मेरी इच्छा नहीं है कि कुछ करूँ, यही दोस्तों चालू है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूँ क्या ना करूँ। ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ, ऐसे लगता ही नहीं है कि कोई बड़ा है समझाने के लिए, क्या है कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये काम में फ्यूचर ब्राइट तो नहीं दिख रहा है, और मेरी लाइफ तो हो गया अब चाली ही गई आधी। लेकिन सोचता हूँ कृष्णा के बारे में कि फ्यूचर अच्छा हो जाए, कुछ करूँ बिजनेस वगैरह कर लूँ, ताकि अच्छे से पढ़ाई, इनका एजुकेशन हो जाए, अच्छी क्वालिफिकेशन कहीं अच्छे से मिल जाए, इसी के बारे में सोचता हूँ। लेकिन मैं देखा पूजा को, किसी पूजा को सिर्फ अपना सोचना दिखता है कि 2 वक्त का मुझे खाने को मिल जाए, बस बाहर कहीं रहो, चाहे 1 रूम में रहो चाहे 2 रूम में रहो, तुम क्या भी करके लाओ कुछ भी करके लाओ, सिर्फ पैसा लाओ, अब मुझे गांव नहीं जाना है। और जब भी बोलता हूँ कि ये कुछ छोटा मोटा बिजनेस डाल लेता हूँ लोन करके, तब कुछ ना कुछ रोक लगा देती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं वो एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता न गली का न घाट का, मैं जब भी परेशानी में रहता हूँ तो उधर घर वाले अलग से हंसते हैं मज़ा लेते हैं, और दूसरा दुश्मन मैं घर में ही पाल लिया हूँ यार, लाइफ में दुश्मनी बहुत कर लिया हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है कैसे हो गई क्या हो गई यार, लेकिन क्या बताऊँ। तो दोस्तों, कोई गाइड करने वाला नहीं है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है कि क्या करना है, इसी चीज़ का बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं अपनी बातें शेयर भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सोचा ये बातें शेयर कर दूँ, शायद कुछ मन हल्का लगे। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि मैं सोच रहा था छोटा मोटा कोई बिजनेस डालता हूँ, एक तो पैसा नहीं है, लेकिन लोन करके मैं सोच रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ कारण बस नहीं डाल पाता हूँ, कोई रोक लगा देता है यार, कोई साथ देने वाला नहीं है साथ में, यही सब प्रॉब्लम है दोस्तों, और कुछ नहीं। अब कृष्णा के बारे में सोचता हूँ कि कहाँ क्या करूँगा, पढ़ाना लिखाना यही सब चीज़ का टेंशन है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ दोस्तों। एक तो कुछ करने भी नहीं देती, और अगर कुछ करने के लिए सोचो तो बोलती है तू इसी लायक है, तू कुछ कर भी नहीं सकता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ दोस्तों, यही सारी बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करूँ, कुछ बोल भी नहीं सकता कुछ कर भी नहीं सकता, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा तंग हूँ, कुछ समझ में भी नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ, और अपनी बातें शेयर करूँ तो किससे शेयर करूँ, यही भी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। 2-4 दिन से इच्छा थी कि मैं आप लोगों से बातें शेयर करूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आप लोगों को ये बात शेयर कर रहा हूँ, क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या होगा मेरी लाइफ का आगे, यही सारी हैं बातें दोस्तों।
मेरे पड़ोस में बड़े बड़े कांड हो जाएं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती रूम मालिक को, लेकिन अगर मैं छोटी सी भी अगर कुछ गलती हो जाए या कुछ हो जाए तो मेरी बात जो होते है ना कि बात कोई कहावत होती है बात का पतंगड़ बन गया, उसी तरह हो जाता है। तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूं। एक तो घर से भी टेंशन, दूसरी बात परिवार से टेंशन, तीसरी बात यहाँ से टेंशन, चारों तरफ बहुत ज़्यादा टेंशन है। कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूं क्या ना करूं। अब इतना कायर भी नहीं हूँ कि सुसाइड कर सकूं, लेकिन हो गया बहुत सारा, मतलब इतना ज़्यादा घुटन महसूस होता है ना, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँगा क्या नहीं। खैर ये तो है, सबकी लाइफ में ही है प्रॉब्लम। तो दोस्तों यही है, मुझे अपने बारे में नहीं अब तो लगता है, कृष्णा के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि बस करो कि इनका क्या होगा, और बस करो इनकी लाइफ कैसे, बस करो यार इनको एक अच्छी लाइफ कैसे दे पाऊँगा, यही सोच के डर लगता है दोस्तों। कृष्णा रहते हैं पूरा टेंशन तो गायब कर देते हैं, लेकिन दिल से तो टेंशन नहीं मिट पाता है।